हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज बनाते हैं लौकी का परोठा। ये बहुत बड़ा लौकी है और पूरा एकदम नरम वाला है, तो इसी को आज हम काट के बना के आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ही देखिए, हम काट लिए हैं। आधा हिस्सा हम रख देंगे, उसका एक आधा हिस्सा में, एक चौथाई हिस्सा में हम बनाएंगे परोठा। मतलब आधा हिस्सा में परोठा बनाएंगे और आधा जो रख देंगे उसका भी कोई रेसिपी हम ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए आधा हिस्सा को बढ़िया से काट लेते हैं, छिलका उलका उसका उतार के। यहाँ पर देखिए छिलका हम उतार चुके हैं, अभी हम इसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ पर जो छिलका हम उतार के रखे हैं, इसका भी बहुत बढ़िया चटनी बनेगा, तो इसीलिए हम पानी में डाल के रख दिए हैं। कभी हम इसको भी दिखाएंगे आपको, काला ना पड़ जाए बोल के हम पानी में रख दिए हैं। तो अब हम इसको काट लेते हैं छोटा छोटा हिस्सा में। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं, कद्दूकस करके परोठा बना सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से मेरा बच्चे जो है ना, शैतान बच्चे, वो जान जाएंगे कि हम लौकी का परोठा बनाए हैं, इसीलिए हम कद्दूकस नहीं करेंगे। हम इसको फाइन इसका पेस्ट बना देंगे और आटा का साथ में गूंथ लेंगे, ताकि वो लोग उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे हम छोटा छोटा टुकड़ों में काट ले रहे हैं, फिर इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। अगर वीडियो देख के अच्छा लगेगा गाइस, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें अब तक तुरंत पहुंच जाए। हम बीज का हिस्सा इसलिए निकाल दे रहे, वो थोड़ा अगर बीजा तो है नहीं, फिर भी हम निकाल दे रहे हैं। तो इसी तरह हम सारे लौकी को काट लेंगे। लौकी में कोई बीजा नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, फिर भी हम निकाल दे रहे हैं। तो इसका हम लोग उड़िया लोकन सुंतला भी बनाते हैं लौकी का, बहुत ही वो भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जार जो है फुल हो गया है, फिर भी हम दिखा देते हैं। इसमें हम धनिया पत्ता को ले लिए हैं और अदरक 1 इंच ले लिए हैं, और इसमें कच्चा मिर्चा भी ले लिए हैं, हरी मिर्च। तो ये सबको फाइन पेस्ट बनाना है। तो खैर यहाँ पर मेरा जो जार है फुल हो चुका है, तो हम इसको निकाल देते हैं। खाली लौकी को पहले हम ग्राइंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लौकी को ग्राइंडिंग कर चुके हैं। इसमें कोई भी पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा, पानी ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा ना गाइस, आटा बहुत ज़रूरत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर ही हम 1 टीस्पून जीरा को भी डाल देते हैं, काफ़ी बढ़िया खुशबू आएगा जीरा का। तो अब इसको हम लोग फाइन पेस्ट बना देते हैं। आप देखिएगा ना गाइस, लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, तो इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं है पानी डालने का। तो ऐसे ही ये ग्राइंडिंग बहुत अच्छा से बढ़िया से बन जाता है। तो हम तो बना रहे हैं ना गाइस, देखिए ये देखिए, हम कोई पानी यूज़ नहीं किए, देखिए कितना बढ़िया फाइन पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, और खुशबू इतना अच्छा आ रहा है कि हम बोल नहीं सकते हैं। लौकी का एक रॉ स्मेल है वो एकदम नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसमें धनिया पत्ता अदरक डाल दिए हैं, ऊपर से जीरा को डाल दिए हैं। बच्चा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, मेरा बच्चों को तो ऐसे ही वो लोग खा जाएंगे, और ऐसे ही वो लोग बहुत शौकीन हैं परोठा खाने का। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट बना चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग आटा भी लगा लेते हैं, और कद्दूकस करने से क्या होगा, वो लोग उनको पता चल जाएगा कि हम परोठा में कुछ डाले हैं बोल के। यहाँ पर देखिए आटा ले लिए हैं हम, 4 कप आटा लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिए हैं, ये ज़्यादा तीखा नहीं है, एक कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम छोटा सा एक चम्मच में काली मिर्च पाउडर डाल दिए हैं, और 1 टीस्पून हम यहाँ पर चाट मसाला को डाल दिए हैं। आपके पास में अगर चाट मसाला ना हो तो आमचूर डाल सकते हैं, थोड़ा खट्टा और तीखा का स्वाद आने से बढ़िया लगेगा परोठा जो है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर को डाल दिए हैं, सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि लौकी डालने से कलर थोड़ा काला काला आ जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा हल्दी को डाल दिए हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर धनिया पाउडर को डाल देते हैं। अब इसको अच्छा से मिला लेंगे सूखा में ही, उसके बाद ही हम लौकी को जो
ग्राइंडिंग करके रखे थे उसको डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक को डाल दिए, थोड़ा ज़्यादा ही नमक डालें क्योंकि लौकी भी इसमें इसका साथ में मिल जाएगा तो परोठा मतलब बिना नमक जैसे लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा नमक दिए हैं हम यहाँ पर। तो आप अपना टेस्ट अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। यहाँ पर हम सूखा में ही मिला लिए आटा को। तो अब इसमें हम लोग लौकी जो ग्राइंडिंग करके रखे थे उसको डाल देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा आटा तो ही हम यूज़ करेंगे आटा को, नहीं तो इसी में ही हो जाएगा। हम यहाँ पर ही बेसन को डालना भूल गए थे तो यहाँ पर ही 1/4 कप हम बेसन को डाल दिए। डाल के इसको अच्छा से मिला लेंगे। बेसन डालने से परोठा जो है बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है, पूरा मज़ा आ जाता है खा के। तो आपके पास बेसन हो तो आप ज़रूर से डालिए। अब इसमें हम ग्राइंडिंग किया हुआ लौकी को डाल देते हैं। आप मेरा हुए से बनाइए गाइस, बच्चे एकदम मैंने तुरंत ही खा जाएंगे, वो लोग उनको पता ही नहीं चलेगा कि लौकी का परोठा वो लोग खा रहे हैं। ऐसी लौकी का सब्जी बनाते हैं या संतोला बनाते हैं या कुछ भी कोफ्ता उफ्ता बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हम यही वे से वो लोग उनको परोठा बना के खिला देते हैं। यही डो में ही हम देखिएगा रोटी भी बना देते हैं, परोठा बना लेते हैं, आलू परोठा भी बना लेते हैं और पूरियां भी तल लेते हैं। यही डो में आपका सब हो जाएगा। हम दिखाएंगे आपको, अभी तो हम परोठा बना के दिखाएंगे, फिर हम क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है वीडियो तो इसीलिए हम आलू परोठा नहीं दिखा पाएंगे। हम और एक वीडियो हम बना के उसको दिखाएंगे, आलू परोठा भी दिखाएंगे। तो इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट में रख लेते हैं, फिर हम अभी चटनी बना के आपको दिखा देते हैं इसके साथ खाने के लिए। यहाँ पर 4 से 5 पूरा लाल लाल टमाटर ले लिए हैं और उसका साथ में हम यहाँ पर ही बादाम को ले लिए हैं, सिंगदाना जिसको बोलते हैं। तो हम लोग उड़िया में इसको बादाम बोलते हैं तो इसीलिए मेरा मुंह से हमेशा बादाम ही आता है, जबकि हिंदी में आलमंड्स को बादाम बोलते हैं। यहाँ पर ही लहसुन और अदरक को दे दिए हैं और हरी मिर्च दे दिए हैं और एक बंच पूरा धनिया पत्ता को अच्छा से धो के दे दिए हैं। अभी तो खूब मार्केट में धनिया पत्ता एकदम हरा भरा उठ रहा है तो ले लिए हैं। और इसको एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम लोग। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इसका फाइन एक पेस्ट बना देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा चटनी बन के तैयार हो जाता है खाने में परोठा का साथ में। तो नमक को डाल दिए हैं, इसमें थोड़ा सा हम काला नमक को भी डाल देते हैं, बढ़िया खुशबू आता है काला नमक डालने से। तो काला नमक आप ज़रूर से डालिएगा और थोड़ा सा जीरा को डाल दिए। अब इसको हम लोग फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फाइन पेस्ट बना चुके हैं, चटनी हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको परोठा बना के दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही डो बहुत हो गया है मेरा, क्योंकि हम गलती से आधा पूरा लौकी को हम ग्राइंडिंग कर दिए थे। कोई बात नहीं, इसी डो से जो बचेगा हम उसमें आलू परोठा भी बना देंगे और सूखा रोटी भी बना के आपको दिखा देंगे। बहुत ही मतलब बेहतरीन बना था। ये देखिए हम यहाँ पर ही बड़ा सा लोइयाँ ले लिए हैं और उसको बेल ले रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल इसमें लगा लेते हैं बीच में ताकि परोठा का लेयरिंग अच्छा से बना रहे। तो अभी हम 3 कोना वाला परोठा बना रहे हैं। तो ऐसे करके तेल थोड़ा लगा लीजिएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा आटा इसमें भू रख सकते हैं। अब इसको 3 कोना कर लिए हैं, यहाँ पर भी आप तेल लगा सकते हैं, हम लेकिन लगाए नहीं, ऐसे ही बेल रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। तो हम अभी परोठा बना रहे, बच्चों के लिए तो परोठा बनाए हम लोग उनके लिए, लेकिन हम और मेरा हस्बैंड के लिए हम सूखा रोटी ही बनाए हैं। इसमें बहुत ही अच्छा रोटी बन के भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम बेल लिए हैं, देखिए
एक परोठा बन के तैयार है। तो इसको चलिए अब हम, तवा भी इधर गर्म हो चुका है तो चलिए सेक लेते हैं। पूरा करारा करके सेकिएगा तो बहुत अच्छा बनता है परोठा इसका। तो उलट पलट करके हम तेल लगा लेते हैं। आप बटर या देसी घी में भी बना सकते हैं, वो भी बढ़िया लगेगा खाने में। ये देखिए हम चारों तरफ पूरा तेल लगा ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर फट गया बोल के वो फूलना बंद हो गया, लेकिन बहुत बढ़िया फूला था गुब्बारा जैसी। देखिए परोठा बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको प्लेटिंग करके दिखा देते हैं। इसी तरह आप सारे परोठा बना लीजिएगा। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए हम प्लेटिंग कर चुके हैं। यहाँ पर हम चटनी भी ले लिए हैं, सॉस भी ले लिए हैं, क्योंकि मेरा बेटा चटनी नहीं खाता है और छोटा बेटा चटनी खाता है और बड़ा बेटा सॉस में खाता है, तो इसलिए सॉस भी ले लिए हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें अब तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस, एंड जय जगन्नाथ। फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ज़रूर से फीडबैक दीजिएगा।